4th of January 2024, ट्विटर पे एक ट्वीट आती है, लक्षद्वीप इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट्स अ टाइमलेस लेगेसी ऑफ ट्रेडिशंस एंड अ टेस्टमेंट टू द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल। और इसी के साथ चार इमेजेस अटैच की जाती है। इसके बाद एक और ट्वीट आता है रिप्लाई में, जिसके बाद ये इंसिडेंट नेशन वाइड इतनी पॉपुलर हुई। और ये ट्वीट था मरियम शिवना की तरफ से, जो एक डेप्यूटी मिनिस्टर है एट मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। और इस ट्वीट में कुछ ऐसा था, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ अ लाइफ जैकेट, हैशटैग विजिट मालदीव्स, हैशटैग सनी साइड ऑफ लाइफ। अब देखो, पपेट ऑफ इजराइल इसलिए बोला गया क्योंकि इजराइल इन इंडिया ट्विटर हैंडल की तरफ से कुछ ऐसा ट्वीट हुआ था, वी वेर इन लक्षद्वीप लास्ट ईयर अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट डीसेलिनेशन प्रोग्राम, इजराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम टुमारो। अब जिनको नहीं पता, डीसेलिनेशन प्रोसेस में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पानी में से, ताकि पानी साफ हो सके, दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज इन एग्रीकल्चर। इस ट्वीट का इम्पैक्ट ये हुआ कि 8000 से भी ज़्यादा होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई एंड मोर देन 2500 फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल हुई। अब नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप विजिट करने का प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर मिल सके। तो आइए जानते हैं कि क्यों मालदीव्स को एक रियलिटी चेक देना ज़रूरी था, और क्या लक्षद्वीप पे शिफ्ट होना एक वाइज डिसीजन है, और विल इट मेक अ डिफरेंस। देखो, जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो वो एज अ पार्ट ऑफ इंडिया किसी के माइंड में सरफेस लेवल पे पहले थॉट नहीं आता। और अगर इसके जियोग्राफी की बात करें तो ये इंडियन जो मेनलैंड है उससे कहीं दूर है, और यही रीज़न है कि वहाँ पे डेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डेवलपमेंट वहीं पे होता है जहाँ पे ईज ऑफ कनेक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो। और यही रीज़न है कि लक्षद्वीप का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम, या फिर आप बोल सकते हैं रेवेन्यू, वो मेनली फिशिंग से, एग्रीकल्चर से एंड बोट बिल्डिंग से आता है। और इसी को चेंज करने के लिए एक ट्रिप प्लान की जाती है टू लक्षद्वीप आइलैंड्स बाय पीएम नरेंद्र मोदी। जनरली अगर टूरिज्म को देखा जाए तो किसी भी स्टेट का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए मार्केटिंग का, सेलिब्रिटी का और एड्स का सहारा लिया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन के द्वारा कुछ दिन गुजारो गुजरात में, जैसे दुबई का टूरिज्म प्रमोट किया जाता है शाहरुख खान के द्वारा। बट क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद में ही एक ब्रांड है, उनकी फेस वैल्यू कहीं ज़्यादा है, तो ये चीज़ कहीं हद तक आसान हो जाती है, और यही चीज़ रिफ्लेक्ट भी करती है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। दूसरी साइड मालदीव्स है, जिसका जियोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली लक्षद्वीप से एक जैसा है, और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म। और यही टूरिज्म को एस्केलेट करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो है हमारे सेलिब्रिटीज, या फिर आप बोल सकते हो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको जनरली एक लग्जरियस विला इन मालदीव्स और उनके वैकेशन ट्रिप्स आपको आसानी से दिख जाएंगे। और यही मालदीव्स का ग्लोरिफिकेशन आम जनता को मालदीव्स के टूर पे जाने का प्रोत्साहन देती है, या फिर आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस करती है। एक चीज़ जो डिफरेंस है बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, वो है कमर्शियलाइजेशन। मालदीव्स में अभी इतना हद तक कमर्शियलाइजेशन हुआ है कि वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उनकी, वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। बट वहीं अगर बात की जाए लक्षद्वीप की, तो वहाँ पे अभी भी इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी प्रिजर्व हो रखी है। और एक वाइज डिसीजन बनता है अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करो। लक्षद्वीप और मालदीव्स का जियोग्राफिकल लोकेशन एक जैसा होने के बावजूद भी मालदीव्स को प्रीफर इसीलिए किया जाता है, तो एक तो रीज़न है कमर्शियलाइजेशन, दूसरा रीज़न है कि परमिट। मालदीव्स को ट्रैवल करना इज़ फार मोर इजी देन लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप ट्रैवल करने के लिए आपको एक प्रॉपर परमिट चाहिए, और ये चीज़ आसान नहीं हो पाती। इसलिए फॉरेनर्स तो लक्षद्वीप विजिट कर लेते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक पब्लिक है, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन पब्लिक है, वो शायद लक्षद्वीप को पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखती। देखो, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि बीजेपी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड विल एवर सी, और ये एक इंसान नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं की जाती। देखो, फेस वैल्यू जरूर है, बट इन दी बैक उनके पीछे जो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन है बीजेपी का, वो नियरली टू परफेक्शन है। जैसे करंट मैटर में एक तीर से तीन निशान लगा दिए। नंबर 1, लक्षद्वीप के टूरिज्म को एंकरेज किया, उनकी ब्यूटी दिखाई गई।
इन ट्वीट्स, इन फोटोज, ताकि क्या हो कि इंडियंस एंकरेज हो सके लक्षद्वीप विजिट करने के लिए। नंबर टू, मालदीव्स को आइसोलेट कर दिया गया बिकॉज ऑफ वन हेट रिप्लाई। अब ये मेरे को नहीं पता, बट देयर इज अ कोइंसिडेंस कि हर बार बीजेपी के फेवर में स्टार्स गेट अलाइन देमसेल्व्स। मतलब कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा उनकी फेवर में चलते हैं और ये टाइम टू टाइम होते जाते हैं। नंबर थ्री, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे पावर ऑफ इंडिया फील करवाया कि एक ही फोटो काफी है टू शेक डाउन होल कंट्री। और कहीं ना कहीं ऐसे माइक्रो इंसिडेंट्स 2024 के इलेक्शंस में हेल्प करेंगे। और ये फैक्ट है कि आज का इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो डेकेड्स पहले था। आज का इंडिया ये इंडिया है कि इफ यू गो अगेंस्ट इंडिया, उसी दिन से, उसी पल से उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और इसी का कोर रीज़न है ओवर पॉपुलेशन। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत सारे कोई भी सवाल लेके आओ, सबका कोर रीज़न ओवर पॉपुलेशन से इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली रिलेट करता होगा। आज इंडिया की कंजप्शन पावर है वो भी ओवर पॉपुलेशन की वजह से है, और प्रॉब्लम्स है तो भी ओवर पॉपुलेशन की वजह से है। तो सवाल ये है कि क्या मालदीव्स को बॉयकॉट करना सही है या गलत? तो इस चीज़ का जवाब आप खुद दे सकते हो, इसमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ को ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाओगे? अनलेस यू वॉन्ट टू क्लिक सम ऑफ दी लग्जूरियस विला पिक्चर, या फिर आपको शो ऑफ करना है सोशल मीडिया पे, सो यू माइट थिंक टू विजिट मालदीव्स। लेकिन अगर आपको ट्रू एसेंस में नेचर की ब्यूटी आपको देखनी है, तो जहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन कम हो वहीं पे जाना थोड़ा वाइज डिसीजन बनता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसिडेंट रातों रात बाहर नहीं आया, ये थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होते गया ताकि एक लीकेज पॉइंट आ पाए। ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से मालदीव्स में है, जहाँ पे इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। हेटफुल पोस्टर्स लेके सड़क पे प्रोटेस्ट हुए गए, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी के मास्क भी पहने गए ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट अगर सिटीजन्स के द्वारा सिर्फ किए जाते तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक किए जा रहे हो तब मालदीव्स को ये एक रेड स्पॉट में डाल देते हैं। और यही हेट उनके मल्टीपल रेसिस्ट डेरोगेटरी ट्वीट्स में दिखता है। जैसे उनकी पार्टी के मेंबर जाहिद रमेश के ट्वीट में कुछ ऐसा था जहाँ पे वो बता रहे थे कि कंपीटिंग विथ मालदीव्स ऑफ इंडिया इज डिल्यूजनल, बॉयकॉट होना चाहिए नहीं होना चाहिए इट्स पर्सनल चॉइस, बट फॉर वन थिंग विच आई एम हैप्पी अबाउट इज नेशन मो, या फिर आप बोल सकते हो देश प्रेम, जो कि लास्ट डिकेड या फिर 10 साल में होता आ रहा है बिटवीन टीनेजर्स एंड मिलेनियल्स। और ये देश के लिए प्रेम इज कंटिन्यूसली राइजिंग एवरी डे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स, और यही चीज़ भारत को भारत बनाती है।